वो लड़की या भाई का पैंट चेंज करते है, कपड़े चेंज करते है, वही की लड़के। अम्मा तू गुस्सा नहीं करना, तेरे जात वाली ने जात में क्या रख रहे अम्मा। अम्मा आज मैं तेरी कदम का के बोलते है, एक दिन भाई और भाभी को दोनों का साथ लेके आएगी, तू अपने हाथ से दोनों का आशीर्वाद करेगी ना अम्मा। ए अम्मा अम्मा रौनक नहीं रे अम्मा, मैं तेरी जूड़ी कदम का गया। अम्मा तेरी ये बेटा मर जाए गया लेकिन तेरी झूठी कदम नहीं कह गया, तू देख ना अम्मा, मैं भाभी और भाई दोनों का साथ लेके आ गया है ना अम्मा। हाँ रौनक ने अम्मा तेरे को मीठा के लिए तू मेरे को खिला, मेरे को मीठा खिला बे, खिला मेरे को। शायद जहां भी गिरता है मक्खी जरूर आ जाती है, अगर उसे एक मक्खी को नहीं मारो तो बहुत सारी मक्खियां आ जाती है और माहौल गंदा आ जाता है। समझा गोरा, हमको कमिश्नर गाय तोंदे का चीख सुनने का है, तुम हिंदुस्तान जाओ, जरूरत पड़े तो विजय चौहान का मदद लो। मैं पूछ सकता हूं तुम यहां किस लिए आए हो? नहीं ठहरो भाभी, तुम ठहरो, इधर ठहरो। पति है, बहुत आदर्शवादी है, बहुत बड़ा कानून का पुजारी है, हैं? जिंदगी में क्या मिला इसको? करोड़ों का माल पकड़वाया, सरकार ने क्या दिया इसको? कुछ नहीं, कुछ दिया नहीं। 200 रुपया नहीं है तुम्हारे पास अभी, यह दीवार पर चूना लगवाने के लिए है? नहीं है, बोलो इसको, ये जो आदर्श और कानून का चश्मा अपनी आंख पर पहने, इसको बोलो उतरने के लिए। कहने को यह शहर है, सिर्फ कहने को, पर इधर जंगल का कानून चलता है मालूम, जंगल का। चूटी को बिस्तुया कहा जाता है, बिस्तुया को मेढक, मेढक को सांप निकल जाता है, नेवला सांप को मारता है, भेड़िया नेवले का खून चूस लेता है, शेर भेड़ियों को चबा जाता है, इधर हर ताकतवर अपने से कम को मारकर जीता है, मानो मारकर। कह चुके? नहीं, अभी बहुत कुछ कहने को बाकी है मालूम, पर वक्त नहीं है हमारे पास, बिल्कुल वक्त नहीं है, और तुम्हारे पास भी वक्त नहीं है, समझा? नहीं है वक्त तुम्हारे पास, तुम समझते नहीं है मालूम? समझा समझा, तुम आज यहां मेरे एहसान चुकाने आए हो। एक दिन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे लोग ही तुम्हारी जान ले लेंगे, आज तुम मुझे बताने आए हो कि कुछ लोग मेरी जान ले लेंगे। हाँ हाँ, अभी अभी समझाइए, अभी समझा। जानते हो यह क्या है? चुटकी भर सिंदूर है, इसे मेरी बीवी अपने मांग में भरती है मेरी लंबी उम्र के लिए, उसी ने अपने हाथों से ये मुझे दे दिया है। हर रोज घर से निकलते वक्त मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूं, ताकि अगर मौत से मुलाकात हो जाए तो इसे सिंदूर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन चेहरों को देखो, देखो इन चेहरों पर इस फैसले से डर नहीं है, फक्र है फक्र। जाओ जाओ, जाकर कहो उन लोगों से कि कमिश्नर गायतोंडे मौत के लिए तैयार है।
मास्टर जी। एकदम मास्टर जी, मास्टर दीनानाथ की तरह बात करता है, मास्टर दीनानाथ की तरह। बाबा पापा, वो कौन है? विजय चौहान। वो गुंडा? गुड इवनिंग सर। That's Vijay Chauhan, isn't it? Who is he? Who's that man? Isn't that Vijay Chauhan? No, can't be. Impossible, not in a place like this. No way. I'm telling you. Vijay Chauhan, Vijay Chauhan. Vijay Chauhan, she must be Vijay Chauhan's wife. Oh, no way, people like this. Excuse me? Yes, ma'am. Hum is aadmi ke samne baithkar khana nahi kha sakte. This is ridiculous. Would you like another table? Yes, this way. Chaliye ji. Hey, kidhar jata hai tum? Badho. Badho idhar. Oh God. किधर जाता है तुम? साला इधर बैठने में तुमको तकलीफ होता है? हम इधर आकर के बैठ गया, तुमको इधर बैठने में तकलीफ होता है? नीचे अंगार लगा क्या तुम्हारे? बोलो, हम क्या इंसान नहीं लगता तुमको? इंसान नहीं लगता? हम साला जानवर है, हमारा हुलिया ठीक नहीं है? ये क्या साला तुम्हारा बाप का माल है? हमने पैसे से कमाया मैं ये, समझा? अरे तुम क्या देखता है? क्या देखता है तुम? अभी साला चुप काई को है? मैं इधर आया, साला तुम लोग चुप हो गया? हमने मेहनत का कमाई से इधर आया मैं, समझा? जूता पॉलिश किया मैं, तुम कभी किया क्या जूता पॉलिश? नहीं, फटका मारा मैं गाड़ी को। अभी बात करता है, चाहता किधर है तुम? नहीं बोलना क्या चाहता है? ये लोग क्या बोलना चाहता है? ये लोग सब सही है, साला मैं गलत है? ये साला ऊंचा सोसाइटी का लोग, ये लोग सब अच्छा लोग है, मैं साला गुंडा है? Excuse me, sir. मैं गुंडा है? Damn it. Hey. तुम क्या इंग्लिश बोलते हो तुम हमारे साथ? क्या इंग्लिश बोलते है? ये साला नुकसान हो गया, पैसा भरने का है ना? ये ले ले, कितना पैसा चाहिए तुमको? ले ये ले, पैसा ले तू, कितना पैसा चाहिए? साला नुकसान हो गया। hey, काट लेना इसमें से। उसको समझाने गया, उसका जान खतरे में, वो बच्चा को बोला कि मैं गुंडा है, गुंडा है। अल्लाह आपको बहुत बड़ी उम्र दे भाई। मैं बताएगा, अभी मैं साले को बताएगा गुंडा क्या होता है। तुम लोग यहीं ठहरो। यस सर। खबरी सब मुझसे मिलना चाहता है। ओके सर। यूनिफॉर्म पे लाल खून बहुत अच्छा लगता है। कंचा चीना फोन पे तुम्हारा चीख सुनना चाहता है। What sort of bloody commissioner? बेहोश हो गया? Ah!
में साला कोरा चमड़ी का लोग हमेशा धोखे से काम करता है। कमजोर पे हाथ उठाता है। ये पुलिस अफसर को तुम इधर बुलाया धोखे से। परसों पहले तुम एक मासूम विधवा को अपने पेट्रोल पंप पे बुलाया था धोखे से। सारा उसका इज्जत पे हाथ डाला धोखे से। कब तुम बोला ये देखो ये 12 साल का बच्चा तुम्हारे चमड़ी का इज्जत उतार दिया। तुम साला सुधरा नहीं। ओ 3 फुट का विजय, 6.5 फुट का विजय जवान हो गया। तुम साला नहीं बदला है। तुम वो बच्चा है। ए सिंदूर है, तुम नहीं जानते इसका ताकत। ये हिंदुस्तानी औरत के सर का ताज है, मालूम? सर का ताज। अभी मैं दिखाता इसका ताकत। हाय कांचा जी ना। ए कांचा, तुमको कमिश्नर के दर्द का आवाज सुनने का था ना? लो सुनो। सुना है? आवाज बहुत हो गया कांचा, अभी धमाका सुनने का है। हे विजय चौहान, बहुत जोर का धमाका था। बच्चा पे हाथ उठाता है भाई। इसको भाई बोलती, भाई भाई की तरह इज्जत करते हैं। तो मेरे को 10 बोला ना, 10 से तोड़ दिया। मैं तेरा कुन नहीं ना, लेकिन अम्मा तेरी बहन तेरा कुन है कि नहीं, कुछ मालूम करते? 3 मंथ तुम कुछ मालूम करते? अम्मा रोते, तेरी बहन रोते, मैं भी रोते। अम्मा ठीक था को मैं संभाल गया, लेकिन भाभी को कुछ जाना फिर देखना तुम। हाँ भाभी बच्चा गिराने को बोलते बोलते मेरे को बच्चा नहीं चाहिए। हमारा फैमिली को बच्चा कुछ हुआ ना, फिर देखना तुम कटेगी, मैं सबको कटेगी, तुम देखना। सलाम भाई। सलाम भाई। हमारे घर वालों से मिलता रहे तुम? हाय बोलो, घर वालों से मिलता रहे? हाँ। सारी दुनिया को मालूम है तुम क्या करने वाला है सिवाय मेरे। हमको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। क्या बोला तुमने कृष्णन से? क्या बोला कि तुम बच्चा गिराना चाहता है, हाँ? मार देना चाहता है उसको? मेरे बच्चे को अगर तुमने कुछ किया ना, मैं तुमको मार डालोगे ना। मार डालो, मार डालो मुझे, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। कम से कम एक मां के माथे पर अपनी औलाद को मारने का कलंक तो नहीं लगेगा। विजय, विजय, मैं नहीं चाहती कि कल हमारी औलाद पैदा होकर तुम्हें गुंडा कहे। क्या करोगे उस वक्त? तुम उसका गला घोट दोगे या अपना?
अपने आप को देखो, क्या से क्या हो गए हो तुम। उस दिन जब कमिश्नर के बेटे ने तुम्हें गुंडा कहा था तो तुम मुझे बस्ती ले गए ये दिखाने कि तुम गुंडा नहीं देवता हो। तुम देवता नहीं हो विजय, देवता वो बच्चा था जिसने प्रण किया था कि एक दिन मां को वो गांव वापस देना है। कहां है वो गांव, कहां है? मुझे वो गांव चाहिए, वो गांव। लेकिन मेरे बच्चे को तुम कुछ किया ना तो मैं मार देगा तुमको। मार देगा मैं। भाई अगर बंबई में भी कोई माल नहीं मिलता हो ना तो मेरे को हुक्म करना, यहीं पे पैदा कर दूंगा। सारे गांव को ऐसा बना दिया है कि बेवड़ा मार के सब फिट। अरे पाप लगेगा पाप तेरे को, तू देखना। अरे अक्का गांव में मारी से अकेला बेवड़ा था, तू अक्का गांव को बेवड़ा बना दिया। तू मारेगा मारेगा सारा हरामी। ये है अपना गरीब खाना। सारा झूठ बोलता है कुतरिया, तेरे जैसा तो गरीब इस दुनिया में फायदा इतनी हुआ। ले बोली ले, ले तू जा। क्या यहाँ में पहले पाठशाला होती थी, गांव के बच्चे पढ़ते थे। अब आप ही बताइए पढ़ने लिखने से कुछ मिलता है क्या? कुछ मिलता है? अब पैदा होते ही काम पे लगा देता हूँ। हाँ कुत्रिया, देख देख तू बच्चों से कैसा कैसा काम करवाता साला, इसलिए तेरे घर में कोई औलाद पैदा नहीं हुआ। भाग यहाँ से, तू ऐसे हिजड़ा रहेगा साला। भाई ये है अपने गांव का स्वर्ग, लाल बत्ती बाजार। पहले गांव में सिर्फ एक ही वैश्या होती थी, अब गांव की सारी औरतों को धंधे पे लगा दिया है। सारा धंधे पे लगा दिया। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बिस्तर गरम करना पड़ता है बस, फिर पैसा ही पैसा। अरे तेरा औरत भी एक दिन यही बैठकर बिस्तर गरम करेगी। चुप कर, चुप कर। यहाँ क्यों रुक गए भाई? इस मकान को देख रहे हो? 12 साल पहले अगर मैंने इस मकान को नहीं जलाया होता तो मैं खुद जल जाता। एक मास्टर रहता था यहाँ, मास्टर दीनानाथ। साला कहता था गांव को स्वर्ग बनाएगा। मैंने और कांचा सेठ ने अपना दिमाग लड़ाया, एक देवता को राक्षस बना दिया। साला वैश्या को रामायण पढ़ाने चला, बस खेल खत्म। कभी कभी जब मैं ज्यादा दारू पी लेता हूँ ना तो सोचता हूँ उसकी बीवी बच्चों का क्या हुआ होगा। होना क्या है, साले भीख मांगते होंगे कहीं पर। हवा तेज चलता है, दिन कर रहा हो, टोपी संभालो उड़ जाएगा। दिन कर राव, अपने भगवान को याद करो या 50 लाख का बंदोबस्त करो। 50 लाख? Hey, मुन्ना, हमको क्या देखता है? देखो इधर आओ, तुमको दुनिया दिखाता है। ये उधर वो देखो। हाय हाय, मुबारक हो। दिन कर राव हमारी हिरासत में है, 50 लाख की मांग की है मैंने। गोरा हिंदुस्तान से वापस नहीं आया, दिनकर राव का टेलीफोन भी नहीं आता है।
लैला भी ना जाने कहां मर गई है। लैला! नमस्ते। अरे मुन्ना, ये देखो कांचा हिंदुस्तान आ रहा है। भाई भाई, तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ए दिनकर राव, उधर जमीन क्या चाटता है? मैं इधर है, उड़ो उड़ो उड़ो, ये ले जाओ, पैसा ले जाओ। भाई मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान की भीख मांगता है फिर जान देने की बात करता है, हैं? तुम हमको कुछ नहीं दे सकता है, तुम्हारे पास है क्या देने को? कुछ है? नहीं है, 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 है भाई, ये गांव की जमीन के कागज है भाई। ए जमीन क्या साला तुम्हारा बाप का है? नहीं, ये साला तुम्हारा बाप का जमीन है? नहीं, गांव वालों का जमीन है, समझा? गांव वालों का। लेकिन मेरे पास गिरवी है भाई, आप चाहो तो इन्हें रख लो। उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने उनके मकान आपके पास गिरवी रख दिए हैं? उनको मुझ पे भरोसा है और भाई मुझे आप पे, बस थोड़े दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा। भाई आप कहो तो कोरे कागज पे अंगूठा लगा सकता हूं। हाँ, कोरे कागज पे। लो लगाओ। ये लो, लगा दिया अंगूठा भाई। ये पैसे मैं इंस्पेक्टर पठान को देकर अपनी जान बचा लूंगा भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया भाई। केला, गेला साला हरामी, कुत्रिया, 50 लाख में अपना कफन खरीद के लेके गया। अभी मेरा बेटा विजू लिखेगा इस कोरे कागज पे कि तू साला गांव वालों का जमीन इसको बेच दिया। अबे फिर देखना साला, सब गांव वालों को लात मार मार के निकालेगा मैं, और गांव वाला तेरा ढूंगर पे लात मारेगा, मारेगा और निकालेगा। है ना विजू? है? ये लो काका, अब मारो ये पत्थर, देखना कांचा का कांच का मैल कैसे टूट के गिरता है। ये गांव वालों का जमीन तू साला बेच दिया, तेरे बाप का था मंडवा चोर। उड़ गया टोपी, है? मैं क्या बोला था तुमको, हवा तेज चलता है दिनकर राव, टोपी संभालो उड़ जाएगा। अभी उड़ गया है? मेरे साथ धोखा क्यों किया तुमने? दारू पी के तुम सोचता था कि मास्टर का बीवी और बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा होगा, है? गलत सोचा तुम। विजय, चौहान, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। मर गया साला कुत्रिया हरामी, मर गया, मर गया। और अब ये क्या किया तुमने? सांप और न्योले का लड़ाई में सांप मरता है कांचा। सांप तो मर गया,
अब उस न्योले की बारी है जिसने दोस्ती करके सपेरे को डसने की कोशिश की। दुश्मन से अगर फायदा हो तो उसको अपना दोस्त बना लो। तुम्हें बोला था ना तुम्हारे धंधे का उसूल है कि नहीं है? मेरे धंधे का उसूल तो तुम सीख गया लेकिन अंजाम तुमने अभी देखा नहीं है। अंजाम अभी तुम देखेगा मालूम, तुम देखेगा अंजाम। 25 बरस पहले तुम इस गांव में आया है अपना पाप का पर पर बढ़ाने, कैसे क्या कर दिया इसको, रोशनी बंद करके अंधेरा कर दिया, कंधा कर दिया, ये मिट्टी को देखो देखो बढ़िया, देखो ये इसको देखो, जुआरी शराबी बना दी इन लोग को, रंडी बना दी औरत लोग को, उधर वो छोटा छोटा बच्चा उनका मासूमियत छीन के गंदा नाली में फेंक दिया और खुद किधर पहुंच गया भाई। इन लोगों के सर पर छत नहीं तुम साला कांच का महल में रहता है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं तुम साला रोज कपड़ा बदलता है, और अभी अंजाम का वध करता है। अंजाम नहीं देखा, समझा? अब समझा तुम मांडवा क्यों चाहते थे, दिनकर राव को हटाकर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मेरे कपड़े पहनना चाहते हो, कांच के महल में रहना चाहते हो, मगर एक गलती तुम भी किया विजय चौहान, तरक्की की भूख में तुम दो चार कदम ज्यादा आगे निकल गया, इस गांव की जमीन पर तुमने कदम रख दिया, ये जमीन जहां से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। पूरा बात बोलो, तुम जिंदगी का शुरुआत नहीं, जुर्म का जिंदगी का शुरुआत, समझा, जुर्म का जिंदगी, एक मासूम मास्टर दीनानाथ को कुचल के। मास्टर दीनानाथ, तुम्हें कैसे मालूम? कांचा, ये जो तुम्हारा दिखावे का ताकत है ना, ये लोहे की तरह मजबूत है लेकिन तुम्हारा कान साला, ये साला कच्चा कांच की तरह है, बात समझता नहीं है तुम, याद नहीं रखता। पहली मुलाकात में मैं तुमको क्या बोला, मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम समझा, पूरा नाम। हाँ अभी समझा, बाया हाथ से काम करो तो दाया हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए है? तुमको भी पता नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी तुम मास्टर दीनानाथ के रास्ते पर चल पड़े हो। ए, कांचा, साला बंदूक भी दिखाता है और पीछे भी हटता है, हैं? पीछे नहीं हटने का कांचा, पीछे हटने से पुराना जमाना लौट कर नहीं आने वाला है, नहीं तुम फंस गया मेरे जाल में, एक मामूली मोरे की तरह तुम फंस गया, मात खा गया तुम, आओ उधर देखो देखो। चाहता तो तुम्हारे जिस्म से खुद जान निकाल लेता मैं, मगर विजय चौहान अपना दुश्मन को इतना आसान मौत नहीं देता, समझा? 25 साल में जलता रहा तुम तक पहुंचने के लिए, अब तुम जाओ, जाओ सलाई सरकारी कोठी में चलो जाके, जा। कचहरी में सबूत की जरूरत पड़ती है, समझा? सबूत मेरे पास है कांचा। तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब मेरे पास है। लैला, तुम भी? लैला नहीं, शांति। मास्टर दीनानाथ को मिटाने के लिए तुमने चंदाबाई की मां का सहारा लिया था, विजय ने तुम्हें मिटाने के लिए चंदाबाई की बेटी का सहारा लिया है। चंदाबाई की बेटी? हाँ, ये शांति चंदाबाई का बेटी। सवाल जिस जवान में किया जाए जवाब उसी जवान में देना चाहिए, नहीं? ये अपने धंधे का उसूल है कांचा। विजय चौहान, शायद तुम भूल गए, पहली मुलाकात में मैंने तुमसे कहा था गद्दारी की सजा मौत है, सिर्फ मौत, याद रखना इस बात को, याद रखना। हरामी लोग
आ गया तो साला अभी माफी मांगता है। अरे माफी मांगना है तो उसके माँ से माफी मांगो, उस औरत से माफी मांगो जिसका सिंदूर तुम लोग सारा लूटा। उतरिया लोग जाओ माफी मांगो जाओ। अम्मा 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 तो मैंने कसम का बोल मैं जो बोलेगी तू कर गया। अरे मैं तो बोल मैं जो बोलेगी तू कर गया मगर मैं तो बोल मैं जो बोलेगी तू कर गया। अच्छा मैं कसम खाती हूँ तू जो कहेगा वो मैं करूँगी। अम्मा बोल क्या है। अम्मा तू 2000 ईयर जिएगी। अम्मा अम्मा मैं तेरे कसम खाती हूँ मैं भाई को ले गया भाई आ गई अम्मा अम्मा भाई भाभी को भी लेकर आई है बच्चे को भी लेकर आई है। भाई अम्मा आज गणपति के दिन अम्मा तू भाई को गाली नहीं देना तू झगड़ा नहीं करना। अम्मा 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 देख देख अम्मा भाई सब कुछ जोड़ दिया हाँ तेरे कदम सब कुछ जोड़ दिया। सिर्फ गांव का मिट्टी नहीं है, इसमें मेरे बाप का खून मिला है। मैं गांव को वापस हासिल किया, बाप के माथे से कलम का टीका मिटा डाला। मेरा काम खत्म हो गया, अब किसी बेगुनाह के खून से किसी बेगुनाह के खून से वो मिट्टी गंदा नहीं होना चाहिए। अरे बीजू बेटा सुभाष नहीं देख सब गांव वालों आ गया कुत्रे लोग मांग माफी माफी मांग पैर पर पड़ के माफी मांगो। हाथ साला रोते हैं सब लोग अभी माफी मांगो। क्या हो रहा है। अरे बीजू बेटा तुम लोग देख देख यहाँ कैसे आए कैसे रोता है सब लोग पैर पकड़ में माफी मांगता है। गणपति बापा नमस्कार हमारा फैमिली का बच्चा हाँ तू बड़ा हो क्या अम्मा को नहीं रुलाना बुआ को नहीं रुलाना मेरा को नहीं रुलाना मेरा को रुला ना देखना मैं तारक नहीं तारक नहीं मारेगी तेरी बाप को मारेगी मैं। हमारा फैमिली का बच्चा भैया माफ कर दो सब लोग माफी मांगते चल दे। अभी किसने निकाला इनको गांव से। अरे मेरा बेटा बीजू ने निकाला इन सबको एटलांट मार के सबको बाहर निकाल दिया है। साला अभी रोता है। तेरे को बोला था ना कि गांव वापस देगा खरीद के दिया तेरे को मेरा बेटा बीजू खरीद के दिया तेरे को। गांव चलो मां। हाँ हम सब चलेंगे सब चलेंगे। शांति उर्फ लैला हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। Thank you.
कोई गवाह या सबूत ना होने की वजह से मुजरिम कांचा चीना को बाइज्जत बरी किया जाता है। जल्दी इलाज करो कृष्णन कृष्णन कुछ कुछ नहीं होगा तुमको हमें
हमें तो... ए, चलो। देखिए मिस्टर, ये एक पुलिस केस है, आप पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, उसके बाद हम इसे हाथ लगाएंगे। ए, ए, इतना टाइम नहीं इसके पास, इतना टाइम नहीं, इसका इलाज नहीं किया तो ये मर जाएगा। तो हम क्या करें? वोट कर नायडू। क्या बोला तुम? क्या बोला? क्या बोला तुम? किससे बात करता है तुम मालूम? विजय चौहान से। इसको कुछ हो गया सलाम तुमको इधर ही दबा देगा मालूम, इधर ही दबा देगा। मैं ये कौन है मालूम? ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं, उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा, समझा? ये मेरी, ये मेरी बहन का होने वाला भाई। ए डॉक्टर, तुम आए, तुम कुछ करो, कुछ करो डॉक्टर। आए, क्या चाहिए तुमको? क्या मांगता है तुम? मेरा खून चाहिए, पैसा चाहिए? मैं देगा, मैं देगा तुमको डॉक्टर, लेकिन ये खत्म हो गया ना तो मैं भी खत्म, मैं खत्म हो जाएगा। ये गुंडा नहीं है, गुंडा नहीं है ये मेरी माँ का, मेरी माँ का अच्छा बेटा है, अच्छा बेटा, समझा? कुछ 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 करो डॉक्टर तुम। मैं हाथ जोड़ता है तुम्हारे सामने, ये देखो, ये विजय चौहान तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, कुछ करो डॉक्टर तुम। Okay. तुम कुछ करो। ओके ओके नर्स, इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, जल्दी करो। कृष्ण, कुछ नहीं होगा तुमको, संभाल के चलो, चलो चलो, आराम से आराम से। हां संभाल के उठाओ। साहब आपके लिए फूल। मैं वादा करता हूं, मेरे बस में जितनी ताकत है वो सारी लगा दूंगा, मैं सारी ताकत लगा दूंगा उन्हें छुड़वाने के लिए। आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। क्या बोलते हैं तुम है? विजय, तुम्हें मालूम नहीं, मांडवा कांचा जी के कब्जे में है, तुम्हारी मां बहन बीवी बच्चा सब उसके कब्जे में है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। विजय, वक्त आने पर तुमने मेरी मदद की, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं कमिश्नर, तुम बीच में नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा तुम। तो ये है इस गांव का रखवाला। बैठे इस गांव का रखवाला, और तू क्या बिठा डालेगा? हमने लगाने का तरह हरामी बात करता है, तू बिठा डालेगा? मास्टर के खानदान को बिठा डालेगा? मेरे को मारेगा गोली? ये देख क्या है, मट्टी है, मट्टी, इसमें तू भी बिठ जाएगा, मैं भी बिठ जाएगा। हाँ मास्टर सिखाया मेरे को ये, हाँ बोलेगा, वो लेगा हिसाब लेगा, तेर से ही लेगा, उसका बेटा हिसाब लेगा, आएगा देखना। आ गया वो, देखो हरामी लोग, आ गया तुम्हारा बाप, आ गया। हाँ पांव कवर में लटक रहा है और इरादा आसमान को छूने का है। अरे मेरा पांव तो कवर में है कुतरिया, तेरा तो चिता जलाने को आता है, वो देख। मेरा बेटा बिजू आ गया, देखो आ गया बिजू।
विजय चौहान, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे धंधे का उसूल तो तूने सीख लिया, मगर उसका अंजाम तूने नहीं देखा। अब तो उसका अंजाम देख, ये देख अंजाम, तेरे हर गलती की सजा, तेरा खानदान भुगतेगा, हर कदम पर एक लाश गिरेगी। हिम्मत है तो आगे बढ़, मर आगे। मैं 5 मिनट पहले आएंगे। बाय बाय। विजय चौहान, आग से गुजरने का बड़ा शौक था ना तुझे, अब क्या हुआ? आगे बढ़ाओ और बचा ले अपने खानदान को। 25 साल तक तू जलता रहा ना, अब क्या हुआ तुझे? बचा ले अपनी मां को, बचा ले अपनी बीवी को, बचा ले अपने बच्चे को, बचा ले अपनी बहन को। बढ़ो आगे। Thank you.